हाय गाइस, दिस इज निकिता। आज मैं बनाने वाली हूँ कोकोनट लड्डू। ये त्योहारों में बनाई जाने वाली बहुत ही आसान स्वीट है और इसके लिए हमें कोई भी स्पेशल इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। हम इसे घर में रहने वाली नॉर्मल चीज़ों से ही बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कोकोनट लड्डू। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। हम एक टेबल स्पून जितना घी गर्म कर लेंगे और उसमें हम डेसिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो इसमें फ्रेश कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हम जो भी कढ़ाई ले या तवा ले वो ज़रा थोड़ा मोटा लेना है ताकि हम कोकोनट को जब भी भुने तो कोकोनट बर्न ना हो जाए। घी कोकोनट में अच्छे से मिल जाए तब तक हम इसे मिक्स कर लेंगे तो जो कोकोनट है वो अच्छे से थोड़ा कैरमलाइज हो जाएगा। घी पूरी तरह से कोकोनट में एब्सॉर्ब हो चुका है। अब इस टाइम पे हम मिल्क ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने एक कप जितना दूध लिया है। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और कोकोनट के जो ग्रैन्यूल्स है वो बनना शुरू हो जाए तब तक हम इसे मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल स्लो ही रखनी है ताकि ये कोकोनट जो है वो जले नहीं। ड्राई कोकोनट बाज़ार में आसानी से मिल जाता है और इससे जो लड्डू बनते हैं इसे स्टोर करना बहुत ही आसान है। हम इसे लंबे टाइम तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। दूध जो है वो पूरी तरह से एब्सॉर्ब हो चुका है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अब जब चीनी को मिक्स करना शुरू करेंगे तो उसमें से थोड़ा पानी निकलना शुरू हो जाएगा और जो बैटर है हमारा वो थोड़ा लिक्विडी होगा। लेकिन आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि ये जो चीनी का पानी है वो धीरे धीरे मिक्सर में पूरी तरह से घुल जाएगा और एक थिक सा हमारा मिक्सर रेडी हो जाएगा। ये लड्डू बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि इसके लिए हमें कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें बाज़ार से कोई नई चीज़ नहीं लानी पड़ती है। जो घर में हम नॉर्मल चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे कि चीनी, दूध, कोकोनट, उसी से हम लोग ये एकदम बढ़िया स्वीट बना सकते हैं। इस मिक्सर को हमें 15 से 20 मिनट तक कम से कम मिक्स करते जाना है। आप देख सकते हैं मिक्सर जो है वो धीरे धीरे गाढ़ा बनता जा रहा है। तो इस टाइम पे यहाँ पे मैं फ्लेवर के लिए इलायची का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसमें रोज़ एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको रोज़ का फ्लेवर चाहिए तो। बस अब हम इसे एक दो मिनट के लिए भुनेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारा जो कोकोनट लड्डू का मिक्सर है वो अब रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे हमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा करने के लिए छोड़ना है। हमारा मिक्सर जो है वो ठंडा हो चुका है तो अब हम इसमें से छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे। अब आप इसे ऐसे हाथों से राउंड शेप में बनाते जाइए। यहाँ पे हमें प्रेशर नहीं देना है, बहुत ही धीरे धीरे से इस लड्डू को बनाना है। आप हथेली में थोड़ा सा घी ले सकते हैं तो उससे आप आसानी से लड्डू को गोल शेप दे सकोगे। तो ऐसे हम हमारे सारे लड्डू पहले प्रिपेयर कर लेंगे। अब इसमें मैं धीरे धीरे ड्राई कोकोनट से इसे डेकोरेट करूँगी और ये कोकोनट लड्डू सर्व करने के लिए रेडी है। नवरात्रा बहुत ही नज़दीक है तो उस टाइम पे ये माता को प्रसाद देने के लिए बहुत ही परफेक्ट स्वीट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और आगे भी मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज शेयर करने वाली हूँ तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टिल देन, बाय बाय।